असल एंड हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं उम्मीद है सब अच्छे होंगे तो आज का ब्लॉग जो है ना वो कुछ इमोशनल सा होने वाला है जस्ट छोटा छोटा सा ब्लॉग क्योंकि आज जो है मैं इमोन के लिए फाइनली निकालने वाली हूँ टाइम लिखने के लिए कुछ कार्ड्स वगैरह कुछ चिट्स वगैरह मुझे ना हमेशा से यही होता है कि हम अभी भी मतलब किसी को गिफ्ट दें अगर तो ऐसी चीज दें जो कि बहुत ही दिल से करीब हो बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं लेकिन फिलहाल जो है ना बस मैंने सोचा कि मैं इवन को कार्ड लिखूं मुझे हमेशा से लिखने का बहुत शौक़ होता है डेली लाइफ में हम लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को कुछ आई लव यू तक भी नहीं बोल पाते इतने लाइफ बिजी हो जाती है एक कपल की तो ये एक ऐसा तरीक़ा है जो कि मतलब आप लोग एक दूसरे से एक्सप्रेस कर सकते हो अपने दिल की फीलिंग्स खामोशी से टाइम लेके ऐसे ऐसे करके लिख के तो मैंने इमन के लिए कुछ बर्थडे कार्ड लिखा और बर्थडे के साथ साथ न्यू ईयर भी आ रहा था तो दोनों तरीके से ही लिखा और लिखते लिखते ना मुझे रोना भी आ गया क्योंकि कुछ ऐसे पर्सनल बातें भी लिखती दिल की बातें तो बस बहुत इमोशनल लग रहा था ये चीज़ तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं और सबसे ख़राब चीज़ ये हो गई कि मैं लिखने के लिए बैठी हूँ इतने टाइम से तो लिखा नहीं तो लिखने के लिए जैसे बैठी पेन जो है ना बिल्कुल ही खराब थी पेन में बिल्कुल भी इंक नहीं थी यार फिर मैंने ईमोन का ही बैग जो है ना खोल खोल के ढूंढ रही हूँ कि कोई पेन वगैरह मिल जाए कुछ मिल जाए तो स्टार्ट करूँ तो आर्यन और इमोन जो है वो अभी रूम में नहीं है मुझे पूरी फुल प्राइवेसी मिली है और बस मैं अपना काम जो है वो करे जा रही हूँ आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग एक दूसरे को गिफ्ट देने में क्या पसंद करते हो मेरा बड़ा शौक था कि इमोन को आई 15 गिफ्ट करूँगी लेकिन आई 15 जो है ना हम लोग फिर ले लेंगे लेकिन ऐस ए बर्थडे नहीं ऐसे ही गिफ्ट करूँगी और उसी के अलावा ये जो है ना मैंने एक कार्ड लिख दिया अभी मैं जा रही हूँ चिट्स लिखने के लिए छोटी छोटी सी ये वाली ना मैं कोरिया में जब थी तब भी इमोन को ऐसे दिया था मैंने उसके बर्थडे में कोरिया में डाइसो में बहुत क्यूट क्यूट से सामान मिलते हैं ना ये देखो सादिया बहन को रोना आ गया <laughs> सो इमोशनल तो डाइसो से कुछ सामान ले लेके फिर ऐसे करके मैं इमन को देती थी तो इस बार मुझे बांग्लादेश में भी एक क्यूट सा की रिंग मिल गया था तो उसके अंदर ही मैंने सोचा चलो ऐसे करते हैं बॉक्स मिल गया ये चॉकलेट बॉक्स हो गया और इसके अलावा ये कार्ड हो गया तो अभी सोच रही थी कार्ड को कुछ डेकोरेट वगैरह करूं क्या करूं लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दूँ जो चीज़ें मैंने रेडी की हैं छोटी छोटी सी ये क्यूट क्यूट सी सारी चीज़ें हैं तो ये वाले जो है ना इजीली बुक स्टोर में मिल जाते हैं की रिंग्स और ये चॉकलेट्स तो किसी भी शॉप में मिल गया था मुझे एंड दिस कार्ड और अभी जो है ना मैं कुछ स्टिकर्स लेके आई हूँ अपनी थोड़ी लिखाने के लिए आर्टिस्टिक चीज़ें और उसमें फिर मैंने ना थोड़ा सा लिखा इवन के लिए हैप्पी बर्थडे वगैरह जो होता है वही सिंपल सा तो इज आर से बोलो का 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 बोलो अब बोलो अभी कार्ड का रिएक्शन दे रहा है बोलो तुम्हें लेटर कैसा लगा छोटी कार्ड मैंने पढ़ पढ़ लिया लेकिन दिखा नहीं सकता करके आप लोग भी तो कार्ड कैसे लगा, अच्छा अच्छा लगा? चीजें लिखा हुआ है मेरा <laughs> क्या लिखा है इमोन ऐसे पढ़ता है मुझे उसको पढ़ के सुनाना पड़ेगा क्या लिखा है आर्यन एंड सदिया लव यू सो मच चलो ये ऐसा मिल गया कि अब मेरा <laughs> मेरा नहीं <वोने> खुला भंडा <laughs> नहीं हो रहा कभी कभी इमोन के लिए भी लिखे मैंने सिर्फ अच्छी बात ऑटो बायोग्राफी अभी एक एक छोड़ी देखो हाथ भी काट गया है आज बहुत डीप कट हुआ इसके अंदर बहुत डीप कट हुआ है ना दिखा तुमको और हाथ काट के आया है मुझे मेरा गिफ्ट तो दो तो मैंने कहा अभी जो क्यों बोला कुछ कुछ सीक्रेट्स है कुछ कुछ तो है तो जो वाला पढ़ लिया तुमने भंडा वाला पढ़ लिया अभी वापस से फोल्ड करके रखना तुम्हें अच्छा लगा ये गिफ्ट इमोन तो मेमोरी से, अच्छा हम से मतलब कहा अच्छा गया <laughs> <laughs> अच्छा मैं कह रही थी की ये वाली गिफ्ट ना काफी बहुत यादगार रहते हैं और हम हमेशा कोरिया से भी ऐसे ही करते आ रहे हैं की छो, छोटी छोटी चीजें लिख के देते मैं लिख के देती हूँ इमुन नहीं लिख के देता इस बार मैं वेट करूंगी मेरी बर्थडे में इमुन भी मुझे लिख के दे ये नहीं पढ़ सकते ये नहीं पढ़ सकते पढ़ के आगे की लाइफ कितने का। कार्ड्स लिखूंगी क्या लिखूंगी तो उसको खैर पता नहीं था चॉकलेट के डब्बे का पता था और वो इसी के चक्कर में भागता हुआ है मेरा गिफ्ट मेरा गिफ्ट मैं रहा हूं। कौन सा गिफ्ट बोला मुझे खाना है चॉकलेट खाना है तो मैंने कहा चलो फिर कार्ड भी लिखा है मैंने दिखाओ पैकेट दो जल्दी जल्दी देखो वाह कितने सारे इमोन क्या क्या है चॉकलेट तो खाओ, तो पता चलेगा बहुत डिफरेंट है ये पता है कहाँ के तुर्की के चॉकलेट गाइस तुर्की के तुर्की में क्या बोलते हैं थैंक यू अभी भी चॉकलेट खा रहे हैं देखा चॉकलेट अंदर से कैसा है ये वाला चॉकलेट देख रहे यम लग रहा था आधा तो गिरा दिया अंदर से तो ऐसा है ऐसा है कैसा है ये वाला चॉकलेट ये वाला ये वाला नहीं खाया ये वाला ज्यादा टेस्टी लग रहा है इमोन ये वाला खाओ नहीं डिफरेंट है ये वाला खाओ और फिर देखो ये गाइस ये सारे तुर्की के ही चॉकलेट है अरेबिकरबिक नहीं है क्या लिखा है जीवल <laughs> I don't know what is जीवल तो चलो इमोन तो ये छोटा मोटा गिफ्ट अच्छा लगा ये डब्बा भी आपको फेंकना नहीं है संभाल के रखना है <laughs> अच्छा गिफ्ट जैसे कोई देखता नॉर्मली आईफोन आई दे, दे देते गाड़ी दे देते नॉर्मली लोग बड़े बड़े गिफ्ट ही देते है, है।, है। गाड़ी देना आईफोन देना हम भी चाहे दे सकते हैं लेकिन ये मीनिंगफुल है मतलब सुकून बे, मिलता ऐसे लगता लगता दे, दे, है ऐसे गिफ्ट में जैसे में में वीडियो वीडियो ही अच्छा लगता है इसलिए करता लोग करते हैं हर कोई भी कर सकता है वो बात नहीं है लेकिन पर्सनली हम लोग आईफोन मोबाइल तब खरीदते जब हमें जरूरत होती है अभी इतने तो नहीं है किसी के पास के बैठ के उड़ाए पैसे तो मुझे मतलब बर्थडे में मीनिफुल तो जैसे छोटी सी पार्टी दे 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 देना देना छोटे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना तो आई एम सो थैंकफुल कि तुम्हें सब कुछ रखा लेकिन अभी साफ करके फिर से ड्रेसिंग करूंगा बड़ा डीप कट हुआ ये ये दिख रहे और डीप कट दिखा रहे हो लोग तो डर जाएंगे देखो ड्रेसिंग कैसे करोगे एडिसन से नहीं ड्रेसिंग नहीं, नहीं देखेंगे तुम्हारा दर्द दे है तुम इसे जाओ जाओ ड्रेसिंग करो अच्छे से ठीक करके कर आओ बहुत जखम लगा यार बहुत तुमने गलत कर तरीके से चाकू यूज किया आ आ आर्यन आर्यन आ आ आ ओ आ तो यार मेरे स्टूडियो रूम में ना कैबिनेट से काफ़ी लेकिन मेरे पास सैंडल्स रखने के लिए कोई भी जगह नहीं है तो मैं मतलब हमेशा से कोशिश करती हूँ कैसे रखूँ कैसे रखूँ हमेशा इधर उधर इधर उधर सेटिंग्स करती रहती हूँ तो आज मैंने सारे मेरे कपड़े सेट किए उसके बाद मैंने ये जो शू है वो घर पर पड़ा हुआ था इधर उधर से कहीं से उठा के साफ साफ करके अपने सारे सैंडल्स मैनेज करके रख दिए हैं अभी काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है और मुझे बहुत हल्का लग रहा है कि चलो सैंडल्स अच्छे से आ गए और भी कुछ सैंडल्स है वो भी देखते हैं अभी कहाँ रखेंगे और फिलहाल जो है ना ये वाला सेक्शन भी पूरा रेडी है तो बस घर की ये चीजें होती है कि अपने कैबिनेट्स वगैरह अगर ऑर्गेनाइज ना तो दिल खुश रहता है हल्का रहता है तो इसी के साथ ही आज के ब्लॉग भी एंड करते हैं अपना बहुत सारा ख्याल रखना नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे खुदा हाफिज़ बाय बाय डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩할 고민이 생겼니 음. 등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같